किस क्लास में पढ़ती हो? सी क्लास में। कहाँ पर? यही पर ब्रांडा में पढ़ते हैं। तो तुमको यहाँ ब्रांडा में पढ़ने से कोई समस्या होती है? हाँ। क्या समस्या होती है? हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो गाड़ी चलती है, शोर शराबा होता है, तो पढ़ नहीं पाते हम लोग, और ठीक से पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे गाड़ी थोड़ी चलती है तो, और ठंडा के दिन में हवा चलती है, धूप आते हैं, बारिश होती है तो इधर उधर जाते हैं बारिश के दिन में। हम लोग सब दो क्लास बैठे, एक मर हल्ला गल्ला होता है, हम लोग का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, दो क्रम उसी बाहर कोई कोई बैठ जाते हैं, घाम भी लग जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे। बक्सर जिला के कोरपुरवा मोहल्ले के आदर्श शिशु मध्य विद्यालय में क्लासरूम की कमी के कारण लगभग 12 वर्षों से बच्चों को पठन पाठन में हो रही है परेशानी। विद्यालय में 1 से 8 बच्ची का पढ़ाई की जाती है, जिसमें बच्चों की संख्या 630 है, जबकि क्लासरूम सिर्फ 4 ही है। विद्यालय भवन छोटा होने के कारण प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चों की पढ़ाई बरामदे में की जाती है। यहाँ पर जब क्लासरूम की कमी है तो बहुत सारा समस्या होती होगी। हाँ। तो समस्या से आप कैसे निपटते हैं? अब उसी तरह से अब क्या करें, जैसे है उसी में हम लोग अपना मेंटेन करते हैं, जो भी रूम है उसी में हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उस तरह तो बच्चे की लाइफ में बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पढ़ने में समस्या आती है, बहुत दिक्कत है, जाड़ा गर्मी बरसात सब समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है। आपके पीछे तालाब है तो उससे भी तो समस्या आती होगी? तालाब के चलते भी काफ़ी समस्या है, बार बार पानी के कटाव के चलते रूम पर इसका बहुत खराब असर पड़ रहा है। कंबाइन लेकर हम लोग चलते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा परेशानी तो हो जानी है, और वहीं अगर कमरा का सुविधा रहता, अलग अलग व्यवस्था रहता, अलग अलग सही ढंग से बच्चे पूरा पढ़ते तो समस्या से बहुत काफ़ी ग्रसित होंगे। तो आपने इसके लिए क्या किया? हमने इसके लिए कई बार पदाधिकारी को हम लोगों ने लिखा, कई बार अपने समस्या को हम लोगों ने उनके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 85 44 41 11 79 पर कॉल कर मेरी मदद करें, ताकि विद्यालय भवन का निर्माण हो सके। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।